नमस्कार आप सभी को। आज मेरे द्वारा इंग्लिश का TLM कंपाउंड वर्ड्स का TLM तैयार किया गया है। इसके लिए मैंने एक बड़ा गोल पुट्ठा लिया है और उस पर कलर पेपर चिपकाया है, दूसरा छोटा गोल पुट्ठा और उसमें अलग कलर का कागज़ चिपकाया है, और इसके बाद इसके बीच में मैंने कील से होल किया हुआ है जिससे कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। और इन दोनों को फिट करने के लिए मैंने एक स्क्रू लिया है जिसकी सहायता से मैं इन दोनों पुट्ठों को एक के ऊपर एक फिट करूंगी, इस तरह से कंपाउंड वर्ड लिखकर। यह बहुत ही अच्छा और उपयोगी TLM है। इस तरह से मैं इसमें स्क्रू फिट कर रही हूं और पीछे से इसे मैं टाइट करूंगी। इस तरह से ये गोल घूमना चाहिए। फिर मैंने इसे इस तरह से टाइट कर लिया है और अब इसमें स्केल से मैंने बराबर लाइन खींची है। दोनों पुट्ठे पे लाइंस बराबर मिलती हुई आनी चाहिए और इसके बाद मैंने इनमें वर्ड्स लिखने शुरू किए हैं, जैसे कि फुटबॉल, अपडेट, वर्कबुक। और इसके बाद बड़े पुट्ठे में मैं इसे प्लस करके इन्हीं वर्ड्स को लिखूँगी। कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू स्मॉलर वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म्स अ न्यू वर्ड। इट मीन्स दो छोटे वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड्स और बड़ा वर्ड्स बनता है, इसे ही हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो ये मेरा TLM रेडी हो चुका है। आप देखिए इस तरह से घुमाकर बच्चे इसमें आसानी से टू स्मॉल वर्ड्स को कंबाइन करके एक बड़ा वर्ड्स देख सकते हैं, बनाना सीख सकते हैं। इस TLM को और अच्छा और आकर्षक बनाने के लिए मैंने इसमें सेम कलर यूज़ किया है, जैसे कि फुट प्लस बॉल फुटबॉल, ये कंबाइंड वर्ड बना। ये टू स्मॉल वर्ड्स जैसे कि अप डेट अपडेट, सेम कलर यूज़ करेंगे, जैसे कि डोर मेट डोर मेट, वर्क प्लस बुक वर्क बुक। तो इस तरह से आप आसानी से बच्चों के साथ मिलकर या बच्चे स्वयं भी ये TLM तैयार कर सकते हैं। एवर ग्रीन सुपर स्टार सुपर स्टार, वर्कआउट वर्कआउट, हाउसफुल हाउसफुल, बाथरूम बाथरूम, एयरपोर्ट एयरपोर्ट, पासपोर्ट पासपोर्ट, क्लास रूम क्लास रूम, टाइम पास टाइम पास, पेन ड्राइव पेन ड्राइव, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, वीक एंड वीकेंड, बर्थडे बर्थडे, ओवर टाइम, ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड, डोरबेल रेन ड्रॉप, बैकग्राउंड आइसक्रीम, एनीवेयर फुटबॉल। तो इस तरह से बच्चे जो हैं ये टू स्मॉल वर्ड्स के भी मीनिंग इन्हें पता होंगे या पता करने का ये प्रयास करेंगे, साथ ही जो एक बड़ा वर्ड्स बना है कंबाइंड होने पर कंपाउंड वर्ड जो बना है इसका भी अलग मीनिंग होगा। तो इस तरह से बच्चों को थ्री वर्ड्स की मीनिंग्स पता चलेंगे, आइस क्रीम एंड आइस क्रीम, एनी वेयर एनी वेयर। तो प्लीज़ आप ये TLM बनाने की कोशिश करिए और सभी बच्चे इसे देखकर जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें याद करने का प्रयास करें, उनकी मीनिंग्स ज़रूर आप खोजें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।